माँ आके अपने बेटे के बारे में बोल के रो रहा होता है। बेटा तो स्ट्रेंथ करना चाहिए, मेरा लाल नौजवान बच्चा है, मैं जब बूढ़ी हो जाऊंगी ये मेरा सहारा होगा। कोई बंदे कोई दोस्त आपके लिए 24 आवर्स काम नहीं करता। आपका 24 आवर्स काम करने वाला आदमी है सिर्फ आपका पेरेंट्स। ओनली फॉर योर पेरेंट्स 24 आवर्स आपका काम करेगा। अगर आप एक्सीडेंट हो गया तो 40 दिन हॉस्पिटलाइज में है तो वो 40 दिन आपका माँ आपका साथ पालंग के बराबर बैठे रहेंगे, लेकिन दोस्त आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन माँ वहाँ से नहीं हिलेगा, कभी नहीं हिलेगा माँ। माँ वहाँ पालंग की तरह बैठे रहेंगे 40 दिन तक, वहाँ से हिलेगी नहीं माँ। आपका हाथ नहीं है तो आपको पेशाब पखाना धुलाएगी। तभी तो अल्लाह ने मोहब्बत बताने के लिए मिसाइल माँ की दिया है। एक माँ जितना चाहते है ना, उससे 70 गुना ज्यादा ऊपर वाला आपको चाहता है। जो हाथ माँ पे उठती है, आप लोग मुझे बताएं कमेंट करके, ये हाथ बिना जले जन्नत में जा सकते है क्या? वह हाथ जलना ही जलना है जो माँ पे हाथ उठती है, जो बाप पे उठाता है। ऊपर वाला ऐसा हाथों की हिफाजत फरमाए अल्लाह ने। उस वक्त से जब छोटा था माँ ने ऐसा पाला था, तुम कुछ भी बात भी नहीं बोला माँ को। माँ तुम जब छोटा था, जब तुम मतलब बिस्तर पे था लेटे हुए, तुमको कुछ भी मालूम नहीं है। उसी दिन से माँ तुमको कुछ भी मालूम नहीं है। माँ तुमसे बातें करते हैं कि नहीं करते? बातें जरूर करती है, पर तुमको मालूम नहीं है ये मेरा लाडला है, ये मेरे गुड़िया है, तुमको कुछ भी पता नहीं है। लेकिन माँ फिर तुमसे बात करता है, तुम कुछ भी समझ में नहीं आ गया। अब माँ बुरी हो गई, माँ कुछ भी नहीं समझता है। अभी तुम माँ से बात नहीं कर रहे हो, माँ को टाइम नहीं दे रहे हो। अरे सुनो यार, माँ तो माँ ही होती है। ये दुनिया से जिसका माँ नहीं है उसको मालूम है माँ कैसा है। माँ मतलब मैं ऐसे बोलूंगी कि माँ का पैर का नीचे हम लोग का जन्नत है। माँ तो ऐसा मोहब्बत करना चाहिए, ये दुनिया में माँ के अलावा कोई भी नहीं है। ऐसा मोहब्बत करो माँ को। किसी का बीबी मर जाएगा तो बीबी मिलेगा, लेकिन माँ एक ही बार मिलते है, माँ कभी नहीं मिलेगा। माँ एक बार गया तो सोचो दुनिया से गया, माँ कभी भी रिटर्न नहीं आएगा। दोस्त सुन लो, जिसका माँ नहीं है उसको समझ में आता है वो माँ कैसा चीज है। वो सोचता आज काश मेरा माँ होती है तो मेरे दुख दर्द समझने वाला एक आदमी होती है। मतलब माँ ऐसा है कि तुम कितना कमाया तुम कितना नहीं कमाया कभी नहीं पूछेगा। माँ पूछेगा बेटा तूने खाना खाया, तुमको कोई बीमार है, ऐसा पूछेगा। तुम जिधर में भी जाओ दुनिया की सुकून नहीं मिलेगा। तुम जब माँ के बीच में आके बैठोगे ना, दुनिया का हर तरीके का सुकून तुमको मिलेगा। गरीब बाप है मतलब मेहनत करके कमाता है, लेकिन वो ठंडे के दिन में स्वेटर नहीं पहनता है, खुद कमा के अपने बेटा बेटी के लिए स्वेटर लेके आता है। लेकिन बापू के हड्डी में मतलब सर्दी जम जाती है। ये मोहब्बत है वालिदैन की। लेकिन हम जब बड़े हो जाते हैं, दोस्त हमारे बड़े बड़े अजीज हो जाते हैं। कसम खुदा की 10-15 साल के बाद वही दोस्त से नफरत हो जाएगी आपका। उनमें से कोई सारे दोस्त आपका दुश्मन हो जाएंगे, क्योंकि आपका गीबत करेंगे, आपका वीक पॉइंट्स दूसरों के साथ शेयर करेगी। आपके माँ शेयर नहीं करती, आपका वालिद शेयर नहीं करती। कोई नौजवान बच्चे है जो माँ को सूरी लेके डराती है, अगर मेरे को मोबाइल नहीं देने से मैं खत्म कर दूंगी, सीने में बैठ के मार रही है माँ, वो जूते खा रही है। वो मारती है लेकिन रियलाइज बहुत जल्दी कर लेती। कोई दोस्त आपको एक दफा मार ले तो आप 200 साल तक उससे दुश्मनी मोर लेता है। मतलब मेरा बारी कब आए मैं उससे बदला ले लूं, आप तकती रहती हो मैं कब बदला लूं। बिजनेस में कोई आपको धोखा देता है तो आप तकते रहते हो कि मेरा मौका कब है, मैं कब उसको मेरा बदला ले सकता हूँ धोखा की। कोई बंदा कोई दोस्त आपके लिए 24 आवर्स काम नहीं करते। 24 आवर्स काम करने वाला एक ही आदमी है, ओनली फॉर योर पेरेंट्स। उसका अलावा कोई भी आपके लिए 24 आवर्स काम नहीं करेंगे। माँ तो माँ ही होती है। दोस्त मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक
कमेंट एंड शेयर, और मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए मैं वीडियो लेके आता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू।